अच्छा जी अब चैप्टर नंबर फोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ द इलेक्ट्रोस्कोप यूज टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई आ कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्वेश्चन नंबर टू है इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी इज इफ यस वाई वाई विल बी व्हाट विल बी द डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर टू है इफ़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ यस व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर थ्री है ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर इक्वलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ विल यू चेंज एन इलेक्ट्रोस्कोप विद पॉजिटिव चार्ज ग्लास्टो ए नेगेटिवली, बी पॉजिटिवली फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्वेश्चन नंबर सिक्स है ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई why do leaves of leaves of electroscope collapse if we touch it uh, if we touch it this uh, with magnet rod question number 8 have define variable electric induction and branch scope branchoscope question number 9 hai, perhaps you see you can see a gasoline track ट्रैवलिंग अ मैगनेट चेन बीनीत इट क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर नाइन पूरा परेशन नंबर नाइन है परू सी एन गैसोलीन ट्रैक ट्रेवलिंग मेटल चेन बिनीत इट वॉट परपज द चेन सर्फ क्वेश्चन नंबर नंबर टेन है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिट एक्सप्ल द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लन द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर